हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एंड दिस इज सागर ठक्कर योर साइड। वी आर हियर फॉर द कैट 2022 स्लॉट 2। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2020 का स्लॉट 2 क्वांट्स, है ना, 2020 का स्लॉट 2 क्वांट्स। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन। एंड पहला क्वेश्चन ही तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है रेस का, है ना। पहला क्वेश्चन ही तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है, किसका क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन। फटाफट से ट्राई करेंगे, लगाएंगे दिमाग एंड धमाका मचाएंगे। फटाफट से ट्राई करेंगे, लगाएंगे दिमाग एंड धमाका मचाएंगे। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, और उसको खेलाओ, उसको खेलाओ। किसका क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, रेसेस का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बेस्ड रेस का क्वेश्चन है, राइट। पहला ही क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, पहला ही क्वेश्चन रेस का क्वेश्चन। एक मिनट का टाइम है, ट्राई करो देन। क्या बोला है, सी इन अ कार रेस, कार ए बीट्स बी बाय 45 किलोमीटर, कार बी बीट्स सी बाय 50 किलोमीटर, है ना, ए बीट्स सी बाय 90 किलोमीटर, है ना। तुमने माना, चल तुमने माना कि कुछ तो पहले लेंथ मानेंगे, लेंथ ऑफ ट्रैक में अज्यूम करता हूँ कितना है एक्स, ट्रैक का लेंथ मैंने एक्स किलोमीटर अज्यूम कर लिया, ठीक है, यस और नो। यस तो यस, दैट मीन्स कि उसने क्या बोला, ए बीट्स बी बाय 45 किलोमीटर्स, तो जितनी देर में ए एक्स किलोमीटर्स कवर करेगा उतनी ही देर में बी कितना कवर करेगा, एक्स माइनस 45 किलोमीटर्स, है ना, 45 किलोमीटर से बीट किया है उसने। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, तो रेशियो कितना हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 45, यस, है ना, है सो नो, है ना। अब उसने क्या बोला, b बीट्स कार c बाय 50 किलोमीटर, b बीट्स कार b बाय 50 किलोमीटर। सिमिलरली अगर अपन स्पीड ऑफ b और स्पीड ऑफ c का रेशियो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, x अपॉन x माइनस 50 बोल सकता हूँ। a बीट्स c बाय 90 किलोमीटर, है ना, a बीट्स c बाय 90 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ a एंड स्पीड ऑफ सी का रेशियो क्या मिल सकता है मुझे, x अपॉन x माइनस 90 बोल सकता हूँ, यस और नो, x अपॉन x माइनस 90 बोल सकता हूँ, यस और नो, बोल सकता हूँ। अभी देखो, मुझे पता है क्या होगा कि क्या बोल सकता हूँ कि दिस इंटू दिस, है ना, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, बोल सकता नहीं, बोल सकता, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा बताओ, x अपॉन x माइनस 45 into x upon x minus 50 is equal to x upon x minus 90। तो ये एक x तो जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, ठीक है, हाँ, हमको निकालना क्या है, then find then the distance over with the rays can be conducted, तो मतलब x का वैल्यू निकालना, राइट, find then the distance over which the x can be conducted। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है अब यहाँ पे, what is the equation that we are getting, x into x minus 45 x minus 50 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 90। सीधा सीधा एक्स का वैल्यू डाल के देख लो, ना सीधा सीधा एक्स का वैल्यू डाल के देख लो कि कौन सा वैल्यू एक्स का सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे तुमको, है ना, सीधा सीधा कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सेटिस्फाई करेगा, यू पुट 450 देन वो सेटिस्फाई करेगा ना, 450 डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा आंसर के अंदर, क्लियर। एक्स का वैल्यू डाल के देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर इज 450 इज द आंसर, है ना, 450 इज द, वन मोर क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, one more question on the board, in a group of 10 students, mean matlab kya, averages ka question ho gaya, right, mean matlab kya, averages ka question ho gaya,
एक मिनट दे रहा हूँ, ट्राई कर लो, देन वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन। एक मिनट दे रहा हूँ, ट्राई कर लो, देन वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन। दस स्टूडेंट बोले हैं तो यू कैन कंसिडर दैम ए वन से लेके ए टेन तक कंसिडर कर सकते हो, है ना। दस स्टूडेंट बोले हैं तो तुम लोग उसको ए वन से लेके ए टेन तक कंसिडर कर सकते हो। देखो क्या बोला, ग्रुप ऑफ टेन स्टूडेंट्स, फाइन। तो मैंने बोल दिया कि टेन स्टूडेंट्स कौन है, ए वन ए टू से लेके ए टेन तक। द मीन ऑफ लोवेस्ट नाइन स्कोर्स इज 42, है ना। तो मीन ऑफ लोवेस्ट नाइन स्कोर्स इज इक्वल टू 42। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं मान लिया कि पहले जो नाइन है वही लोवेस्ट है ना। तो मीन ऑफ लोवेस्ट नाइन इज इक्वल टू 42। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए वन से लेके अगर मैं ए टू से लेके ए नाइन तक ऐड करूँगा तो कितना होगा वो, 42 × 9। क्लियर, यस और नो? यस। एंड द मीन ऑफ हाईएस्ट नाइन स्कोर्स इज 47 इन द एंटायर ग्रुप। तो हाईएस्ट नाइन कौन हो जाएगा, देखो लोवेस्ट नाइन अगर ये है तो हाईएस्ट नाइन कौन होगा, ए टू से लेके ए थ्री से लेके कहाँ तक होगा, ए टेन तक होगा कि नहीं होगा। दैट इज इक्वल टू 47। तो 47 इंटू 9 हो गया टोटल उसका, है कि नहीं, 47 इंटू 9 हो गया टोटल उसका, नहीं हो गया बताओ, हो गया राइट, है ना 47। अब अगर मान लो कि इन दोनों को सब्ट्रैक करता हूँ, अगर मैं सब्ट्रैक करता हूँ, एक क्वेश्चन 2 है, ये एक क्वेश्चन 1 है, सब्ट्रैक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ए 2 से लेके इसमें भी ए 9 है ना। तो ए 2 से लेके ए 9 वाली उल्टा मुड़ जाएगी, क्या बचेगा, ए 10 बचेगा मेरे पास, ए 10 इसमें से क्या बचेगा, ए 1। ए वन सामने क्या हो जाएगा, 47 इंटू 9 माइनस 42 इंटू 9। क्लियर, 47 इंटू 9 49, कितना बच गया, कितना बच गया, देखो 47 माइनस 42 तो कितना हो गया 5, एंड 9 5 इज़ 45, एंड 9 5 इज़ 45। सो कैन आई से दैट कि माई ए 10 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 45, एंड कैन आई से दैट माई ए 10 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 45, यस और नो? यस और नो? We can say this, right? है ना, we can say this. अब देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ से ये मतलब क्या हुआ कि ये सारे मीन का सम 42 है, है ना, सारे मीन का सम 42 है। तो मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, सारी टर्म मेरी 42 होगी, ये भी 42 होगी, ये भी 42 होगी, ये भी 42 होगी, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ राइट, है ना, बोल सकता नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ राइट, है ना, यस और नो? यस और नो बोल सकता हूँ? तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, फाइन, अगर मैं बोलूँ ऐसे, अगर मैं बोलूँ ऐसे, वेरी इज द ग्रीन कलर, तो बोल सकता हूँ 42 42 42 से लेके देखो लास्ट टर्म क्या होगी, ए वन प्लस 45, है ना, ए वन प्लस 45, तो कितनी हो जाएगी बताओ वो टर्म। अगर मैं बोलता हूँ ए वन प्लस 45, तो ए वन कितना है मेरा, 42 प्लस 45, है ना, 42 प्लस 45। ऐसे मिला के उल्टे से लिखना चालू करें तो कितना है वो, 47। तो 47 47, और लास्ट टर्म यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ए वन माइनस 45, है ना, 47 माइनस 45, बोल सकते हैं, बोल सकता हूँ 47 माइनस 45, बोल सकते हैं ऐसे, यस और नो? बिकॉज ए टू से लेके ए टेन तक इतना है। तो अब देखो अगर अगर इसका मीन निकालते हैं, है ना, अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ तो इसका मीन कितना आ जाएगा बताओ, इसका मीन कितना आ जाएगा, है ना, मीन मतलब क्या कि एड डिवाइड बाई 10। तो 42 तो है 420, 420 प्लस 45 कितना हो गया, 465, 465 बाई 10 इज 46.5। ये कितना है, 470 तो है, 470 में से 445 निकाल दो कितना हो गया, 425, तो कितना आ गया 42.5। अब क्या पूछा है, द मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बाय, मतलब इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम मीन का डिफरेंस कितना आ सकता है, 4 आ सकता है राइट, है ना, मैक्सिमम मिनिमम मीन का डिफरेंस कितना आ सकता है, 4 आ सकता है। वी कैन से इट लाइक दिस, यस, एंड वन मोर क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, ओके, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, इक्वेशंस का क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स, तो इक्वेशन का क्वेश्चन,
करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे सिंपली यू नीड टू काउंट, वन बाय वन तुमको वैल्यूज उसकी काउंट ही करनी पड़ेगी, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन दैट आई कैन सी। कंडीशन क्या है, एक्स और वाई बड़ा होना चाहिए एक्स से एंड माइनस ट्वेंटी से बड़ा होना चाहिए, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन वाई माइनस ट्वेंटी से वो बड़ा होना चाहिए दोनों के दोनों, दोनों के दोनों बड़े होने चाहिए। देखो क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसको सेटिस्फाई करता हुआ क्या दिख रहा है, अगर मैं एक्स इक्वल टू, है ना, देखो अगर मैं एक्स इक्वल टू सेवेंटीन डालता हूँ एंड वाई इक्वल टू थर्टीन डालते हैं, है ना, वाई इक्वल टू थर्टीन डालते हैं, वैल्यू क्या दिख रही है, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो सेवेंटीन टू जा थर्टी फोर एंड प्लस थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव, तो नाइन्टी नाइन दिख रहा है, दिख रहा है राइट, नाइन्टी नाइन दिख रहा है, तो एक ये पॉसिबिलिटी हुई। फिर दूसरी अगर हम लोग ऐसे चेक करेंगे तो x इक्वल टू देखो 12 में डालूं एंड y इक्वल टू 15 डालूं, तो 12 टू जा 24 प्लस 15 फाइव जा 75, तो 99 दिख रहा है, बट यहाँ पे x ग्रेटर देन y नहीं हुआ है ना, x ग्रेटर देन y नहीं हुआ, तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो तुमको ऐसी वैल्यूज चूज करनी पड़ेंगी। इफ़ यू काउंट लाइक दिस, है ना, ये एक पैर हुई, यू काउंट लाइक दिस, ये एक पैर हुई, सेकेंड हो गई, थर्ड, तो यू नीड विल बी गेटिंग 17 पेयर्स, है ना, विल बी गेटिंग 17 पेयर, तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, 17 पेयर्स होंगे राइट, है ना, 17 पेयर्स। ओके इवन मोर क्वेश्चन ऑफ द लॉगरिथम, 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 लगाओ दिमाग, ए बाई बी प्लस बी बाई ए, सब्ट्रैक करोगे तो भी आंसर आ सकता है, सब्ट्रैक करोगे तो भी आंसर आ सकता है, द वैल्यू ऑफ कैन नॉट बी इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं हो सकती। ओके क्या बोला, सी, अगर इसको सिंप्लीफाई करता तो कितना हो जाएगा, लॉग ए ए माइनस लॉग ए बी राइट, है ना, सब्ट्रैक्शन में जाएगा, फिर इसका लॉग बी बी माइनस लॉग बी ए, क्लियर, अब ये कितना हो गया वन, ये कितना हो गया वन, वन प्लस वन माइनस, अगर इसमें से मैंने कॉमन लिया तो लॉग ए बी प्लस लॉग बी ए हो गया, ये हो गया नहीं हो गया बताओ, लॉग ए बी प्लस लॉग बी ए कितना हो गया, ये टू माइनस, अब देखो ये लॉग ए बी है तो इसको मैं उल्टा करके भी ए बी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, उसको उल्टा करके मैं ए बी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये सुन लो, टेल मी, क्लियर, फाइन, तो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट तुमको दिखाने के लिए कि लॉग ए बी को मैंने एक्स माना तो ये कितना हो गया, टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, हमने देखा था, हमने देखा था, वी नो दैट कि x प्लस वन अपॉन एक्स कैन बी एनीथिंग बट नॉट इक्वल टू टू राइट, है ना, सॉरी, एनीथिंग बट नॉट इक्वल टू वन, है ना, इसकी वैल्यू वन नहीं हो सकती, टू से बड़ी कुछ भी हो सकती है ना, अगर ये वन नहीं है तो दैट मीन्स कि ये टू माइनस वन कभी भी नहीं आएगा, दैट मीन्स कि ये वैल्यू वन कभी भी नहीं होगी, है ना, टू में से वन नहीं निकाल सकते, तो आंसर इज द वैल्यू कैन नॉट बी वन, है ना, टू में से वन, ये वन नहीं हो सकता कभी भी, वन से ज़्यादा छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है ना, बिकॉज एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसके लिए मुझे वन मिलेगा, है ना, एक्स की वैल्यू कोई ऐसे नहीं, तो कैन नॉट बी इक्वल टू वन, वन के अलावा